अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल? उम्मीद आप सब खैरियत के साथ होंगे। जैसा कि आपको पता है, कल मैंने आपको जो 2160 और 61 के एरिए से मैंने आपको बताया कि करंट सिचुएशन में आप सेल करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, सेल के साथ, और आपका टेक प्रॉफिट 50 तक जा सकता है, मार्केट 50 तक जा सकती है। तो अगर आप मार्केट की में अपॉर्चुनिटी देखें तो मार्केट जो है वो प्रॉपर आ रही है डाउन साइड, और ये नीचे मैंने एक जोन मार्क करके रखा था कल ही की वीडियो में, और मैंने आपको ये बात कही थी कि ये जो जोन है ये वैलिड है, यहाँ से मार्केट बैक जा सकती है, ठीक है। मगर अभी करंट सिचुएशन में मैं इस जोन को कोई वैल्यू नहीं दूंगा, ठीक है, अभी करंट सिचुएशन में मैं इसे रिमूव करूंगा। अच्छा, उसके साथ हम डेली कैंडल पे जाएंगे। डेली ब्यास जो है हमारा वो इस टाइम बुलिश है। डेली ब्यास मतलब डेली के अकॉर्डिंग अगर मार्केट को वॉच करें तो हमारा जो डेली के हिसाब से ट्रेंड हम वॉच करेंगे, हम बाइंग साइड ही देखेंगे ना कि सेल साइड, ठीक है, बाइंग साइड ही देखेंगे। 15 का जो है वो तकरीबन बीच हो चुका है, 15 टाइम फ्रेम, मगर कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि कैंडल क्लोजिंग में भी वीक लगी है, मगर कह सकते हो कि शिफ्ट हुआ है, मगर प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये होगी कि अगर आप इसमें अगर आप आज की जो कल कैंडल क्लोज हुई है, अगर मार्केट इसका लो ले ले, ठीक है, इसका लो विक से ग्रैब करे आज के कैंडल, ठीक है, और आपको न्यूयॉर्क सेशन में मतलब आज के कैंडल जैसी लो ग्रैब करे, उसके बाद आपको 15 में आपको वही पैटर्न देखना है जो कि मैंने आपको कल बताया था, जैसे कि वो ये बना हुआ भी है, ये पैटर्न मैंने आपको बताया था और ये प्ले भी हुआ, ये नहीं कह सकते कि ये प्ले नहीं हुआ, अच्छा खासा ये प्ले हुआ। अगर मैं यहाँ पे इस पैटर्न को लूँ तो ये देखें, ये अच्छा खासा प्ले हुआ और मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है, और यही पैटर्न आपको नीचे से भी नज़र आना चाहिए, ठीक है। पैटर्न क्या है, आप इसे और से देखें कि ये फर्स्ट कैंडल है जो कि मिड वाली कैंडल से नीचे उसकी वेक होनी चाहिए और बॉडी भी, और जो थर्ड कैंडल है वो मस्ट, जो थर्ड कैंडल है वो मस्ट इस कैंडल या इस दोनों कैंडल में से, दोनों कैंडल से नीचे क्लोजिंग दे, बेहतर तो यह है कि दोनों से नीचे क्लोजिंग दे बॉडी की, अगर एक से नीचे है तो फिर भी वैलिड है, अदरवाइज दोनों से नीचे क्लोजिंग होगी तो इससे ये होगा कि आपका सेटअप ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यही पैटर्न आप यहाँ पे उल्टा कर लें, अगर आपको यही पैटर्न यहाँ पे बाइंग का मिलता है तो आप यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे कोई बाइंग पैटर्न की एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ये देख लें पैटर्न पड़ा है, ठीक है, ये थ्री कैंडल्स का ये पैटर्न, सेम टू सेम ऐसा पैटर्न आपको मिले, ठीक है। विक ग्रेप करने के बाद, इसका लो ग्रेप होने के बाद, जो गोल्ड का डेली कैंडल का लो है ये ग्रेप होने के बाद, क्योंकि H1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हुआ है मगर हमें इंड्यूसमेंट नहीं मिली, ठीक है, ये अगर हम देखें तो H1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है मगर हमें इंड्यूसमेंट नहीं मिली, इस बेस पे मैं यहाँ पे बाइंग जो है अभी तक अवॉइड कर रहा हूँ जब तक मार्केट इसका लो नहीं ले लेती, और वैसे भी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, और मार्केट का लिक्विडिटी लेना बनता है, मार्केट लिक्विडिटी ले तो आपको इस तरह का पैटर्न मिले, आप बाइंग करें और अपना बेसिक टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये रख सकते हैं, सेकंड थर्ड ये मतलब हर हाई को अपना टारगेट बना सकते हो, ठीक है। ये शॉर्ट से एनालिसिस थे, इतना डीपर नहीं थे, मगर ये है कि उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।